हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक नई चीज़। वो पता नहीं दिखा पाऊँगी या नहीं दिखा पाऊँगी। कल हम बैठे थे तो हमारी अचानक से मिस्टर बजाज को एक सोफ़े की एडवर्टाइजमेंट किसी ने डाल रखी थी, तो वो पसंद आया सोफ़ा। तो कल भैया देख के आए थे दिल्ली से, और आज मिस्टर बजाज और भैया दोनों गए हैं। तो अगर पसंद आ गया तो सोफ़ा आ जाएगा घर पे। और मैं अभी अभी उठी हूँ, बस चाय पिया और मिस्टर बजाज और भैया को चाय पिला के भेजा है। और बस अभी मैं करने लगी हूँ सारी सफाई। अगर सोफ़ा आ गया तो आपको भी दिखाऊंगी, और सारी सेटिंग कैसे करूँगी आप सो देखना। उतनी देर मैंने इनको बोला, अलमीरा पहले वो कर्टेन के आगे थी, तो मैंने बोला इस साइड कर जाओ, उतनी देर में मैं मंदिर वापस जहाँ पहले था वहीं पर करूँगी। क्योंकि क्योंकि क्या मतलब दीवान एडजस्ट करना होगा वापस फिर से, और ये मैट भी, और मैट फिर जहाँ ये चारपाई पड़ी है इसके यहाँ पर आ जाएगा, और इसको उठा दूँगी। और मंदिर की जगह पे आएगा दीवान जो बाहर हॉल में पड़ा है। और बस सोफ़ा आ गया तो सब कुछ सही है, नहीं तो सफाई तो हो ही मिलती हूँ जाएगी। आपसे सफाई करने के बाद। अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। कपड़े कल धोए थे और कपड़े भी तय लगा के प्रेस करने वाले हैं, और प्रेस करके तब तक ये सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मिस्टर बजाज को 3 घंटे तो लगेंगे, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, और वहाँ भी टाइम तो लगेगा ही ऐसे तो थोड़ा सा। तो मिलती हूँ गाइज आपसे काम करने के सो बाद। गाइज, बाहर मौसम इतना अच्छा हो गया है ना, बारिश आने लगी है। और मैंने मंदिर के चोले वॉश करके बाहर सुखाने के लिए डाले थे, पर इतना है कि मैंने पहले ही उतार लिया, अंधेरी स्टार्ट हो गई थी। और मैंने गाइस अभी खाया है खाना और टाइम हो चुका है 12:15। अब मानोगे नहीं, मैं 9 बजे से ऐसे ही लगी हुई हूँ पागलों की तरह, और 12:15 हो गए हैं। तो अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कर लिया। ये मैंने कर ली है सारी साफ़ सफाई इस रूम की। पहले मैट मैंने इस तरफ बिछाना था, मतलब दीवार वाली साइड, और अब मैंने ऐसे बिछाया है। बाकी आके मिस्टर बजाज देखेंगे कि कैसे सेटिंग करनी है। मैं सोच रही हूँ कि दीवान यहीं आ जाएगा, और पहले हमने यहाँ का सोचा था, और यहाँ तो मैंने फिर चोले डाल दिए एक बार सुखाने के लिए। या तो दीवान इस साइड लगाएंगे या फिर इस साइड लगाएंगे, अब देखते हैं, ये मिस्टर बजाज आके डिसाइड करेंगे। और इधर लगा दी है मैंने अलमीरा, और दीवान वैसे भी मैं अकेली तो लेके आ नहीं सकती अंदर, इसलिए मैंने सोचा दीवान वाला काम जब मिस्टर बजाज आएंगे तो उनसे पूछ के ही करेंगे, और खाली वगैरह कर दूंगी मैं। और बाकी अंदर तो मिस्टर बजाज लेके आएंगे। और मेरी बात हुई है अभी, और जहाँ से सोफ़ा लेना था वहाँ 2 घंटे का रास्ता था, और 2 घंटे बाद पहुँचे हैं मिस्टर बजाज भी। उनको भी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई होगी अब, और बस वापस चलने लगे थे। कह रहे थे सोफ़ा तो पसंद आ गया, तो बस पैक करवा रहे हैं और फिर निकलते हैं 15-20 मिनट में। और मुझे लगता उन्हें आते आते बच जाएंगे, 3 तो बच ही जाएंगे, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो गया है बाहर। और उनको बोला है कि अच्छे से पैक करवा देना, कहीं रास्ते में भी बारिश हो और ऐसे सोफ़ा गीला हो जाए फर्स्ट डे। और इसीलिए बस 2-3 बजे तक मिस्टर बजाज आएंगे, तब तक अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है। फिर आधा घंटा रेस्ट करके सब्जी बनाऊँगी और मिस्टर बजाज औरों के लिए खाना तैयार करूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। आपको मंदिर दिखाती हूँ। मंदिर डेकोरेट कर लिया, मंदिर इस साइड कर दिए वापस। जब हम आए थे तब यहीं पर था, और लाइट्स को मैं किसी और डिज़ाइन में भी लगाऊंगी। एक बार मैंने ऐसे ही सेट कर दी जल्दी जल्दी में, और ये मंदिर हो गया है डेकोरेट। साफ़ करने वाला था वैसे भी, चलो मैंने कहा इसी बहाने आज साफ़ हो गया, नवरात्रि में साफ़ किया था, उसके बाद साफ़ भी नहीं किया था। सो गाइस, बारिश रुक चुकी है और बालकनी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है ना, देखो। अब इसको साफ़ करूँगी मैं, और मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर ली थी 15-20 मिनट। पेठे की सब्जी रेडी कर दी मैंने है, लगा मैंने ली है प्रेस, और अभी तो मैंने 2 ही शर्ट्स प्रेस की है, और बाकी ये पड़ी है मिस्टर सो बजाज गाइस, की। थकावट हो रखी है आज, और टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं, और मिस्टर बजाज को अभी भी आने में आधा पौना घंटा लगेगा। तो मैंने सोचा उतनी देर में मैं सब्जी आटा वगैरह कर लेती हूँ, और कपड़े प्रेस करने वाले थे मिस्टर बजाज के, तो वो कर लेती हूँ। ये करने तक शायद मिस्टर बजाज आ जाएं, तो आपको मेरी शक्ल से भी दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा थकावट हो रखी है आज, तो कभी कभी हो जाता है। तो मिलती हूँ आपसे कपड़े प्रेस करने के सो बाद। गाइस, मैं कपड़े प्रेस कर चुकी हूँ, फ्री हो गई हूँ, और जितना मेरे से हो सकता था मैंने कर लिया, क्योंकि मिस्टर बजाज भी बहुत थके आएंगे। सुबह से गए हुए हैं, 10 बजे के, 9:45-10 बजे चले गए थे, और 2:30 बज चुके हैं। तो बस अकेले दीवान का काम रह गया, बाकी हॉल सारा खाली कर दिया है। और गाइस,
मिस्टर बजाज के बाइक की हो गई है बैटरी लो, और अब भैया आएंगे। भैया कैंटर में है जिसमें सोफ़ा आ रहा है, और जब भैया आएंगे सोफ़ा उतरवाएंगे, उसके बाद बाइक का चार्जर लेके जाएंगे, और फिर मिस्टर बजाज थोड़ी देर आधा घंटा किसी पंप पर वो चार्ज करेंगे बाइक, और फिर उसके बाद आएंगे। मिस्टर बजाज को आते आते 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, क्योंकि बाइक की चार्जिंग ख़त्म हुई है। मतलब यहाँ से है उसका रास्ता 40-45 मिनट का, अगर ट्रैफिक हो। वैसे 20-25 मिनट का है, ट्रैफिक होता ही है, हर बार 40-45 मिनट लगते ही हैं। सो गाइस, फर्स्ट टाइम हुआ है कि बैटरी लो ये मिस्टर बजाज की, क्योंकि जाते टाइम भी 2 घंटे लग गए और आते टाइम भी 2 घंटे तो लगने ही थे, और इधर उधर मिरर वगैरह भी लेना था टेबल का। तो आज सारा दिन ऐसे ही गया, सारे जने बहुत थके हुए हैं और मैं घर पे कर करके थक गई हूँ, और आज काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था। तो बस 2:30 बज चुके हैं, मुझे लगता है 4 बज जाएंगे मिस्टर बजाज को आते आते। तो पूरी सही से सेटिंग तो शाम को ही हो पाएगी, आके रेस्ट करेंगे, आते ही सेटिंग तो करेंगे नहीं। सो बाकी देखते हैं गाइस, मिलती हूँ आपसे बाद में। सो गाइस, सोफ़ा आ चुका है, भैया और ये लेके आ रहे हैं धीरे धीरे करके लिफ्ट में से। ये आई है 2 पफीज, और ये है कुशंस सोफे के, और देखते जाना आप। एल शेप सोफ़ा लिया है, और आपको कंप्लीट जोड़ कर दिखाएंगे कैसे लग रहा है। सो गाइस, सेट कर दिया है हमने अपना सोफ़ा, और आप कमेंट करके बताना कि कैसे लगा आपको। और गाइस, इस रूम में भी सारी सेटिंग हो गई है, दीवान इसी साइड लगाया है और अच्छे से सेटिंग हो गई। सो गाइस, हम रेस्ट कर रहे हैं अपने नए सोफ़ा पर। ये मिस्टर बाजार को देखो। कितने घंटे लगे हैं आपको सोफा लेके आने में? 9 घंटे नहीं, 10 बजे निकले थे। नहीं, 9 के 8, हाँ बस वही हो गए 8-9 घंटे। मैं वही हिसाब लगा रही थी, 9:30 बजे तुसी गए सी, 9:30 नहीं 9:45 या 10 बजे गए सी, इसलिए तुसी घर आए हो 6 बजे। सोफा तुहाडे तो पहला आ गया सीगा, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਫਾਸਟ ਸੀ। ਸੋਫਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਵਜੇ। ਬਾਈਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਾਈਕ ਦਾ ਬਸ ਕੱਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਈਕ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਖਰਾਬ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਾਈਕ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ? ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾਈ ਗਏ। ਬਾਈਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਡਿਸਕ 'ਚ, ਬੈਟਰੀ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਈਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਏ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਲੇਬਰ ਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤਰ ਗਈ ਥਕਾਵਟ ਨਵੇਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟ ਕੇ? ਉੱਤਰ ਗਈ ਥਕਾਵਟ? ਸਹੀ ਹੋਣੀ।